तुम्हारे लिए जो मैंने सोच कर रखा है वो किसी और के लिए नहीं है। तुम बस जीना सीखो सकारात्मक नज़रिए के साथ, और इसी सकारात्मक नज़रिए के साथ जिंदगी के हर पल को जियो, और अपने आसपास के लोगों को भी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित भी करो और प्रोत्साहन भी दो, क्योंकि तुम्हारा प्रोत्साहन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग जिंदगी से हार मान बैठे हैं, जिन लोगों को लगता है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते हैं। उन लोगों की प्रेरणा बनो, उन लोगों को बताओ कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है अगर उसको सही ढंग से जिया जाए तो। ज़रूरी नहीं होता कि कम सामान में भी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जिया जा सकता है, बहुत खूबसूरत तरीके से। ज़िंदगी के अनुभव हैं, कभी अच्छे भी होंगे और कभी बुरे भी होंगे। अच्छे अनुभवों में अच्छे तरीके से ज़िंदगी को जियो, लेकिन अगर बुरे अनुभव आते हैं तो वो बहुत अच्छा जीना सिखा के जाते हैं। वो सिखा के जाते हैं कि हम कठिन समय में भी कैसे ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करो, जितनी भी हो सके उतनी करो। आज जो तुमने मुझे पैसे दिए थे, किसी काम के लिए दिए थे, तुम निश्चिंत रहो क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ सदुपयोग होगा, हमेशा ही सदुपयोग होगा। तुम निश्चिंत रहो, उन पैसों का दुरुपयोग तो नहीं होगा, हमेशा ही सदुपयोग होगा। जिन लोगों को कोई काम नहीं होता है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, उन लोगों को सिर्फ एक ही काम होता है, दूसरों की कमियाँ निकालना, क्योंकि उनके पास तो कोई काम ही नहीं है। और अच्छी बातें जल्दी से वो सोच नहीं सकते, इसलिए वो सिर्फ कमियाँ ही तो निकालेंगे, क्योंकि जिनके पास जो होता है वो दूसरों को वही दे सकते हैं। तुम्हारे पास एक सकारात्मक नज़रिया है, इसलिए तुम सबको सकारात्मक ढंग से देखना सिखाते हो। ये खूबी हर किसी में नहीं होती है, इसलिए इसको बरकरार रखना हमेशा के लिए। खुश रहो, सदा खुश रहो, क्योंकि ये जो तुम्हारा बाबा है ना, ये हमेशा तुम्हारे साथ है।